न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीएम ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महाराजगंज में कल आगमन है। फरिंदा के सेठ आनंद राज रायपुरिया इंटरमीडिएट कॉलेज में जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। सीएम के आगमन को लेकर भाजपा उत्साहित, तैयारी में जुटे बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। विद्युत विभाग के लगातार मनमानी से उपभोक्ताओं में आक्रोश। भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मर फूकने से विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ट्रांसफार्मर फूकने से विद्युत विभाग ट्रांसफार्मर बदलवाने की नहीं ले रहा सुध। ये है कि बिजली विभाग जो है बहुत लापरवाही करता आ रहा है। काफी समय पहले से ट्रांसफार्मर चेंज होना चाहिए हमारे यहाँ और ट्रांसफार्मर चेंज नहीं हो रहा है। कनेक्शन दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं और घर में के जो उपकरण हैं गर्मी वाले वो भी बढ़ते जा रहे हैं। मगर बिजली विभाग को कई बार सूचना दी फिर भी बिजली विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना ही ट्रांसफार्मर बदला जा रहा है और ना ही जल्दी सही होता है, जब बिगड़ जाता है। आए दिन दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। विद्युत पोल पर कार्य करते समय अचानक मजदूर गिर गया। विद्युत पोल से गिरा मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने मजदूर की हालत गंभीर देखकर अलीगढ़ रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक विद्युत विभाग और ठेकेदार की लापरवाही सामने नजर आई है। बिना सेफ्टी बेल्ट और हेलमेट के विद्युत तारों की शिफ्टिंग का कार्य कर रहा था मजदूर। कासगंज जिले के सौरव कस्बे का पूरा मामला। कानपुर में 7 महीने पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगा बैराज पर हुए एक्सीडेंट मामले में हिट एंड रन कानून के तहत मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को बरी करने के बाद फिर आरोपी बनाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कानपुर पुलिस ने कानपुर के एक जाने माने डॉक्टर के 15 साल के बेटे को हिट एंड रन कानून के तहत हिरासत में लेकर जुवेनाइल होम में भेज दिया था। वहीं सूत्रों की माने तो आरोपी ने पिछले 5 महीने में 2 बड़े सड़क हादसे किए जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अक्टूबर 2023 में हुए इस हादसे के मामले में उसकी तेज रफ्तार कार की टक्कर से 2 बच्चों की तत्काल मौत हो गई थी और फिर पिछले मार्च में हुए एक अन्य हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना नवाबगंज के अंतर्गत एक अभियोग दिनांक 27/10/2023 को पंजीकृत हुआ था जिसमें एक नाबालिग लड़के के द्वारा जो है वो एक एक्सीडेंट किया गया था जिसमें 2 लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। इसमें धारा 304A का जो है अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसमें तफ्तीश की गई थी। बाद में जो है ये तथ्य संज्ञान में आया कि ये जो बालक है ये नाबालिग है जो गाड़ी चला रहा था और इसमें फिर बढ़ोतरी करते हुए धारा 304 की उस बच्चे को जो है वो जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया जहां से उसको जो है वो करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया है। ये भी एक तथ्य प्रकार। कानपुर पुलिस कमिश्नरेट के एक दारोगा ने अपने ही पुलिस महकमे को शर्मसार कर दिया। इस पूरे मामले में पीड़िता की तहरीर पर आरोपी दारोगा सचिन कुमार मोरल उसके साथ ही अभिलाष पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल पीड़िता का आरोप है कि पहले हरवंश मोहल थाने में तैनात और वर्तमान में सदर कोतवाली थाने में तैनात दारोगा ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर शादी करने से मना कर दिया, जबकि दारोगा सचिन कुमार मोरल पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी से विवाद चल रहा है। इस मामले में पीड़िता कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंची और वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के बाद एसीपी कोतवाल को जांच सौंपी गई और जांच के आधार पर आरोपी पुलिसकर्मी उसके साथी पर हरवंश मोहल थाने में रेप सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना हरवंश मोहल में एक एप्लीकेशन आई थी एक पीड़िता के द्वारा। यह आरोप लगाया गया था कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर जो मेरठ के रहने वाले हैं और पुलिस लाइन कानपुर नगर में तैनात हैं इनके द्वारा जो है उनसे संपर्क किया गया। आपस में इनकी जो है वो साल भर बातचीत रही और उसका आरोप लगाया गया है महिला के द्वारा कि इन्होंने उनका यौन शोषण किया और ये पूर्व में विवाहित है। इस पर तत्काल प्रभाव से जो है वो सीनियर ऑफिसर्स जो वहाँ के थे एसीपी थे उन्होंने प्रकरण को गंभीरता से देखते हुए इसमें एक अभियोग पंजीकृत कराया है धारा 376 का और इसमें जो सब इंस्पेक्टर है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव से अपील की है कि दिल्ली में वोटिंग पर सभी की पहचान की जाए और बुरका पहनी बहनों से अपील की जाए कि अपनी पहचान दिखाकर वोट डालें ताकि किसी का गलत वोट खराब ना हो। दिल्ली में बोगस वोटिंग ना हो, फेयर चुनाव हो, निष्पक्षता से हो, इसको लेकर हमने कल एक चिट्ठी सीओ को लिखी है और हमने भी उसमें यही डिमांड की थी, request for proper verification and cross checking of the identity of burqa clad voters at every polling station as per ECI rules. The rules mein likha hua hai. And also humne jo unki behan ne baat ki wo bhi likhi hai usme. And also for the presence of adequate women polling officers. Mahilaen honi chahiye. To is baat ko sunishchit kare ki aane wale आगरा का पेट्रोल पंप उड़ा रहा नियमों की धज्जियां। जनता की जान खतरे में एचपीसीएल के स्वामित्व वाले पेट्रोल पंप पर सुरक्षा नियमों का खुला
उल्लंघन जारी है। पंप कर्मी द्वारा बच्चों को प्लास्टिक के कैन में ज्वलनशील पदार्थ दिया जा रहा है। दो बच्चों द्वारा प्लास्टिक के कैन में ज्वलनशील पदार्थ भरवाते हुए वीडियो वायरल। हाल ही में बोतल में पेट्रोल ले जाकर जूता कारोबारी को जिंदा जला दिया गया था। पूर्व में भी कई घटनाओं से सतर्क नहीं हुए पेट्रोल पंप स्वामी और प्रशासन। ताजनगरी आगरा के प्रतापपुर क्षेत्र में स्थित है HP ऑटो केयर नामक पेट्रोल पंप। सदर बाजार में उस समय भगदड़ मच गई जब कपड़े के शोरूम में लगे AC से शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लग गई। आग इतनी बेकाबू हो गई कि तत्काल पड़ोस बनी स्पोर्ट्स की दुकान को भी अपनी आगोश में ले लिया। आग की बड़ी बड़ी रपटे देख VVIP इलाका सदर बाजार में भगदड़ मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर सेना के साथ महिला पुलिसकर्मी भी आग बुझाने में जुटी रही। बड़े बड़े शीशे तोड़कर आग बुझाने का प्रयास जारी रहा। इसी में लगातार ये आग जो बिजली बार बार ट्रैप हो रही उसके कारण लड़ रही। शॉर्ट सर्किट उसी वजह से होता है। एक घंटे लाइट आ रही, एक घंटे लाइट जा रही और प्रशासन संवेदनशील नहीं है। ये पहली घटना नहीं है, छठवीं घटना है। यहाँ तक कि हसारी पावर हाउस में भी आग लगी। जब बार बार बिजली आएगी जाएगी तो उससे जो इन्वर्टर है और जो बैटरी है वो फ्लक्चुएट होगी, तो ये इस पर प्रशासन को एक हाई पावर्ड मीटिंग बुलाना चाहिए। पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीती देर रात को डंपर द्वारा प्रेमनगर क्षेत्र में बिजली लाइन के कुछ खंभे और पेड़ तोड़े जाने का मामला सामने आया, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति ठप कर दी गई। गनीमत यह रही है कि इस दौरान कोई तारों की चपेट में नहीं आया। स्थानीय निवासी भगवान सिंह ने बताया कि हुडा कंपनी का इस मार्ग पर सड़क पेंटिंग का काम चल रहा है। बताया कि रात 1 बजे के आसपास यहां से गुजर रहे डंपर के कारण बड़ी फ्लक्चुएशन के साथ विद्युत आपूर्ति ठप की गई थी। लोग घरों से बाहर निकले तो देखा सड़क के किनारे खड़े वाहनों और सड़क पर विद्युत तारें फैली हुई है। उनके द्वारा तुरंत जिलाधिकारी को फोन कर सूचना दी गई। जिलाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्युत विभाग को निर्देश किया और विद्युत आपूर्ति को कटवा दिया। हाँ सर, रात को 1 बजे की घटना है ये, और अचानक वहाँ पर हमारे घर के सामने पत्रकार भगवान सिंह जी रहते हैं, उनको अचानक महसूस हुआ कि इतनी हलचल क्यों हुई। तो उठे उन्होंने तुरंत सब जगह फोन किया कि घर के बाहर मत निकलना कभी लोग। उन्होंने तुरंत जिलाधिकारी प्रशासन को सूचित कर दिया था। तो उस टाइम रात को किसी ने बताया हमको कि डंपर द्वारा ये घटना घटी है, हमने तो नहीं देखा लेकिन बाजार में लोग कह रहे थे। तो उसके बाद तुरंत पत्रकार महोदय ने वहाँ प्रशासन को शिकायत की। ऐसा हुआ है कि कल रात लगभग 1:30 बजे करीब हमारी अधिशासी अभियंता महोदया का फोन आया कि प्रेम नगर क्षेत्र में कोई तार टूटने की घटना हो गई है, पोल तार टूटने की घटना हो गई है। उनको जिलाधिकारी महोदय द्वारा बताया गया इस बात को, तो उन्होंने तत्काल हमें इस बारे में जानकारी दी। हमने तुरंत ही हमारे बिजली घर से निकलने वाले जो फीडर होते हैं उनको तुरंत बंद करा के। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में अंबेडकर पार्क में बौद्ध प्रिय गौतम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तत्वाधान में हजारों की संख्या में पहुंचे नायने भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा निकालकर भजन कीर्तन के साथ भावपूर्ण जन्मोत्सव मनाया गया। ये गौतम बुद्ध का 2587वां जन्मोत्सव था। वहीं बौद्ध प्रिय गौतम ने बताया कि गौतम बुद्ध ने जिस प्रकार भेदभाव छोड़कर मानवता को कायम रखने के लिए एकता की मिसाल पेश की थी, सभी लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। आज उनके जन्मोत्सव कार्यक्रम में ये एकता की मिसाल पेश करते हुए बिना भेदभाव के उनके मार्गदर्शन पर चलने का आह्वान किया गया है। भगवान बुद्ध का संदेश था कि मानवता एक समान, मानव एक समानता रहे, किसी में कोई भेदभाव नहीं और सभी लोग एक समान जीवन यापन करें, किसी प्रकार का भेदभाव न रहे। इसी संदेश देने को ये पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली गई है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की झांकियां निकाली गई हैं। और जी 28 मई 2024 तथागत भगवान बुद्ध का 2587वें जन्मदिन है। इस परिप्रेक्ष्य में हम हर वर्ष इस महामानव को, दुनिया का संदेश देने वाले महामानव के जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और शोभा यात्रा तथा भंडारे का आयोजन, आए हुए सभी सम्मानित लोगों को प्रतिमा देकर। पुलिस को शिकायती पत्र देने के बाद भी पीड़ित के ऊपर किया जानलेवा हमला, जिससे पीड़ित से सरताज हुआ गंभीर रूप से। ललितपुर का ही पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस को शिकायत दी गई थी, उसके बावजूद भी पीड़ित के ऊपर हमला किया गया जिससे पीड़ित सरताज घायल हो गया है। मारपीट आए दिन होती है उसके साथ। आपको बता दें कि एक बार फिर से माँ बेटे को अपना निशाना बनाया, दोनों को काफी मारा गया, उसके बाद जानलेवा हमला किया गया। आपको बता दें कि जिस पत्रकार ने इस खबर को बनाया उस पर भी हमला किया गया है।
आपको बता दें कि अपराधी कई बार जेल जा चुका है, पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, उसके बावजूद भी कोई एक्शन इस पर नहीं हो रहा है। कई लोग गांजा खरीदने वाले यहां पर आते हैं, उनको गांजा भी बेचा जाता है, शिकायतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये घटनाक्रम लगातार चलता जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर पहले विवाद हुआ बुजुर्ग महिला के साथ और उसका जो बेटा था सरताज, उसके ऊपर हमला किया गया, हमले में वो घायल हो गया, जिला चिकित्सालय इलाज के लिए लाया गया और एक शिकायती पर सिविल लाइन चौकी में दे दिया गया। उसके बाद सरताज अपनी दुकान पर आ गया, इसके बाद दबंग व्यक्ति अपने भाइयों के साथ उसकी दुकान पर पहुंचा, उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दुकान पर तोड़फोड़ की, जिससे गंभीर चोटें आई है। पूरा मामला कोतवाली अंतराल मोहल्ला सदन शाह का बताया जा रहा है। इसका नाम है आबिद, वो चोरियाँ करता फिरता है, यहाँ जमान दारू की जेब कटता है और वो बरकत खाने बेचता है। अभी कितनी लड़ाइयाँ हुई सदन साहब पर, हमारे इमरान भाई ने पत्रकार उनसे भी लड़ाई हुई है, मुस्तफ़ा चाचा से भी लड़ाई, आए दिन चाहे जिसके घर के दरवाजे खड़े होकर गाली बकता है। इनकी माँ भी इनको सपोर्ट करती है, इनके भाई भी इनको सपोर्ट करते हैं, सारा मोहल्ला इनसे परेशान है। गाजियाबाद साहिबाबाद क्षेत्र में मारपीट प्रकरण में जेल भेजे गए पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में साथी पार्षदों ने एडिशनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद एडिशनल कमिश्नर दफ्तर के बाहर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया, साथी पार्षद की गिरफ्तारी के विरोध में सड़क पर धरने पर बैठ गए। साहिबाबाद थाना क्षेत्र में खोखा संचालक के साथ मारपीट में जेल में भेजे गए थे वार्ड 28 के पार्षद सुधीर। अपने साथी पार्षद की गिरफ्तारी और लूट छेड़छाड़ जैसी गलत धाराओं को हटाने की मांग को लेकर हंगामा किया। पार्षदों ने कहा लूट और छेड़छाड़ की धाराएं लगाना गलत, मौके पर भारी संख्या पुलिस बल मौजूद, गलत धाराएं लगाने को लेकर चौकी इंचार्ज और थाना इंचार्ज को लंबित किए जाने की मांग। पार्षदों का आरोप है कि रात 2 बजे खुल रहे खोखे तो बंद कराने को लेकर संचालक ने पार्षद के ऊपर ही बदसलूकी की है। हमारे साथी पार्षद सुधीर जो है उन्हें बिना जांच करे ढंग से गलत गलत धाराओं में लगा के उन्हें जेल भेज दिया गया है। मैं इतना कहना चाहता हूँ पुलिस प्रशासन से और अपने सभी से के जो भी जांच है वो निष्पक्ष रूप से करी जाए। विशेषज्ञ न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने अदालत में ताबड़तोड़ फायरिंग कर शहनवाज की हत्या करने वाले आरोपी सुमित को आजीवन कारावास और 1,00,000 जुर्माना की सजा दी है। आपको बता दें कि 10 साल का कैद और 70,000 रुपए जुर्माने की सजा, वही आरोपी के पास हथियार बरामद होने पर 5 साल का कारावास और 10,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। पूरा मामला थाना कुआरसी इलाके का, जहां बीते दिनों दो युवकों के साथ शादी के दूसरे दिन बाद दो दुल्हनें ज्वेलरी और नकदी लेकर फरार हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित युवकों ने थाना कुआरसी में शिकायत की थी। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले ही बिचौलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिनसे पूछताछ में इस गिरोह का नाम प्रकाश पे आया है। वहीं पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद फरीदाबाद से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो शादी का झांसा देकर युवकों को लूटकर फरार हो जाते थे। कुआरसी पुलिस ने चोरी दुल्हन गैंग के सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्षेत्र में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, जहां पे एक नवविवाहित दुल्हन अपने घर से काफी जेवरात वगैरह लेके और लापता हो गई, तो इसकी जांच पड़ताल की गई, इस पर एक स्पेशल टीम गठित की गई और अगले ही दिन हमने दो लोगों को पकड़ के जेल भेज दिया था। उसके बाद से ही टीम पूरे गैंग का खुलासा करने में लगी हुई थी और कल इस पूरी कार्रवाई में हमें एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें कि यह एक गैंग जिसमें 7 लोग हमने और अरेस्ट किए हैं, जो कि एक अंतर्राज्यीय एक अंतर जनपदीय एक गैंग चला रहे थे, जिसमें ये लोग अविवाहित पुरुषों को चिन्हित करके उन्हें निशाना बनाकर और उनसे बिचौलियों का रोल अदा करके और रिश्तेदारों की भूमिका निभाते हुए आपस में ही उनसे शादी पूरी विधिवत विवाह संपन्न करवाते थे और 2 से 3 दिन में ही। नानपारा बहराइच मोहरबा में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र आयोग्य केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर तो खोले गए हैं और सांसद बहराइच अक्षयवार लाल गौड़ के द्वारा उद्घाटन भी किया गया, लेकिन इन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ लोगों को अस्पताल बनाने से अब तक नहीं मिल पाया है, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग जाग जाओ का नारा लगाते हुए अस्पताल के द्वार पर प्रदर्शन किया गया। ऐसे में लोगों को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, इससे लोग परेशान हैं। डिलीवरी और ओपीडी किस प्रकार की सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मेरा नाम लल्लू प्रसाद है, मैं ग्राम पंचायत मोरबा का रहने वाला हूँ। ये जब से अस्पताल बनी है यहाँ की कोई भी मतलब डिलीवरी यहाँ पर नहीं होती। हमारे ग्राम पंचायत के जितनी भी आशा भवे हैं वो रिसिया मटेरा बहराइच डिलीवरी केस लेकर के आ जाते हैं। यहाँ की जो है ना वो आती नहीं बराबर, CHO हफ्ते में 1 या 2 दिन आती हैं, अपना दवाई वितरण करके वो भी चली जाती हैं। प्रतापगढ़ पहुंचे अखिलेश यादव, GIC ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। सपा प्रत्याशी SP सिंह पटेल को चुनाव जिताने की जनता से अपील की। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों को 1,00,000 तक का कर्ज माफ हो, महिलाओं के खाते में भेजा जाएगा 1,00,000 रुपए, गरीबों को गुणवत्ता और अधिक मात्रा में मिलेगा राशन, जिससे गरीब को भरपेट भोजन मिल सके। मैं जानता हूँ डॉक्टर SP पटेल जी बहुत मेहनत की है, कोशिश बहुत की सब लोगों से मिलने, इसी का परिणाम ये हुआ है गैर के पक्ष में समीकरण भी बन गया, अंगर भी बन गया और समर्थक इतना बड़ा
मिल रहा है कि लाखों लाख वोट से इसका जीत कर रहा है। मैं एक बार फिर जिन दलों ने हमारा साथ देने का काम फैसला दिया है। हरदोई में 14 मई को शहर कोतवाली क्षेत्र में महिला ज्वेलर्स के साथ हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से महिला ज्वेलर्स ने लूटे हुए जेवर, नकदी, तमंचे, घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है। इनमें से एक लुटेरा अपनी प्रेमिका के शौक पूरे करने के लिए लूट की घटना को अंजाम देने अपने साथियों के साथ निकला था। फिलहाल पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और लिखा पढ़ी कर उनको जेल भेज दिया गया है। पिछले दिनों कोतवाली शहर में एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें वादनी श्रीमती सरिता, जिनकी सकतपुर में ज्वेलरी की दुकान है, उनके तहरीर पर थाना कोतवाली शहर में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसमें उक्त घटना को खुलासे और 3 टीम का गठन किया गया था और उक्त टीमों द्वारा इसमें पतारी सुरक्षा की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। इसी क्रम में 3 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे, इसमें एक का नाम अवनीश, दूसरे का मुकेश, तीसरे का प्रिंस था। इनको जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो इसमें इनके पास जो भी लूट का माल है पूरा बरामद हुआ, बैग भी बरामद हुआ। पुलिस द्वारा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये इसमें से 2 अवनीश और मुकेश पढ़ाई लिखाई करते थे और इसमें इनके द्वारा ये भी घटना कर। सहारनपुर के गंगोह में कल हुई युवती की गला रेतकर हत्या की घटना का खुलासा कर पुलिस के द्वारा एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल छुरा, मोबाइल फोन बरामद किया गया। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के SP इतिहास सागर जैन ने बताया कि गंगोह में कल हुई युवती की घटना जो हत्या हुई थी उसमें मुखबिर की सूचना पर थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त सागर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि वो मेरठ का रहने वाला है और मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर बड़े ओवरब्रिज से पहले कस्बा देवबंद के पास उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त सागर उपरोक्त निशानदेही पर एक छुरा और उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। 22 मई को थाना गंगो पर एक कस्बा गंगो के जो बाईपास रोड है वहां पर एक खाली पड़े हुए प्लॉट पर एक 20-21 वर्षीय युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल गंगो पुलिस द्वारा एवं फॉरेंसिक यूनिट SSP महोदय द्वारा एवं मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वहां पर घटना स्थल से पर्याप्त साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई, वहां पर टीम्स का गठन किया गया, वहां पर आसपास के जितने भी CCTV कैमरेज हैं और जो भी सर्विलांस की मदद इसमें ली गई, इसमें जानकारी पे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।